सो हे गाइस, व्हाट्स अप, इट्स योर होस्ट टेक्निकल डॉक्स। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे और बात करेंगे होंडा एक्टिवा 7G के बारे में। जी हाँ, देख सकते हो गाइस, बिल्कुल नया डिजाइन आ चुका है इसका और ग्रे कलर में है। काफी अच्छा लग रहा है, चारों तरफ से घुमा के दिखाऊंगा। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose. Yeah. Thinking that I'm too pop. Yeah. Getting caught with a few thoughts. Cause I'm about too to go off. The speakers can't even handle me. Giving what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And though I am not going through life regretfully, I'd rather work non-stop, what they call incessantly, then want some more job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting a forgotten soul, so stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fall, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, behold, it's tick-tock to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. What was it, rock and roll? I'm not dropping dough, no, my pocket's grown. You can't stop the show, so get rocking up. तो गाइज, अभी तक डिज़ाइन तो आप लोगों ने देख ही लिया। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी डिज़ाइन अच्छा लगा पर्सनली है। और वो जो स्टैंडर्ड जो अपना एक्टिवा का जो जी सीरीज़ का मॉडल आता है ना, अभी तक जैसे 5G 6G जो भी जी अपना इंडिया में चल रहा है, उनसे तो काफ़ी अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। पीछे की तरफ देख सकते हो, इसमें डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे। ये ऐसा क्यों होने वाला है आगे सब बताऊंगा आपको। आगे पीछे दोनों साइड अलॉय व्हील्स मिलेंगे। पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हो डुअल स्प्रिंग जो है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन है और आगे टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिल जाएंगे। वो आपने वीडियो में पहले देख ही लिया। देख सकते हो मैंने इन डेप्थ आपके लिए शूट करवाया है इसे, ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ें देख सको कि किस तरह से जो इंडियन वेरिएंट है वो थोड़ा सा अलग होता है बाहर के वेरिएंट से। और एग्जॉस्ट का डिज़ाइन भी आप देख सकते हो। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी लॉन्च डेट की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप सबको पता है, हम सबको पता है होंडा एक जैपनीज कंपनी है। तो पहले वो अपने स्कूटर्स जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इस तरह के देशों में लॉन्च करती है। तो इसी की वजह से गाइस, अभी रिसेंटली ये 2023 का नया मॉडल लॉन्च हुआ है वहाँ पर, और ये जो है 160cc के साथ आएगा। तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा ऐसा क्यों होने वाला है, तो उसका ये वीडियो। तो अपन ये मान सकते हैं कि 2023 के एंड तक एक्टिवा 7G इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगी। अब आप पूछोगे, भाई देखो 110cc तक तो सारी चीज़ें सही थी, 125cc भी सही थी, लेकिन 150 या 160cc की एक्टिवा होंडा क्यों ला रहा है इंडिया में? उसका सबसे बड़ा रीज़न है गाइस, देखो दो एडिशन लाएगा, एक तो स्पोर्ट्स एडिशन और एक स्टैंडर्ड एडिशन एक्टिवा 7G का। ठीक है, स्टैंडर्ड एडिशन का जो डिज़ाइन है वो पहले की तरह दिखेगा, ज़्यादा स्पोर्टी लुक नहीं होगा। तो जैसा आपने इस वीडियो में देखा यही वाला वो है। तो उसमें जो नॉर्मल लोग जिनको ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा स्पीड चाहिए मगर डिज़ाइन स्पोर्ट्स का नहीं चाहिए, वो इस मॉडल को लेंगे। ABS भी मिल जाएगा इसमें, तो ये उन लोगों के लिए। और स्पोर्ट्स वाले मॉडल की वीडियो देखनी है ना, तो चैनल खोल के देख लेना, इससे पहले और बाद में काफ़ी सारी वीडियोस होंगी, देख सकते हो। अंडर सीट स्टोरेज ऐसी होगी, प्राइसिंग 125,000 के आसपास होने वाली है इसकी, क्योंकि CC वगैरह भी ज़्यादा है। माइलेज की बात करें, 45 km/L की इसकी माइलेज है, ठीक है गाइज। और टॉप स्पीड 120 km/h की होने वाली है, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें देख ली, स्विचेस, बटन्स, इनकी पोजिशन चेंज हो जाएगी। कलर वेरियंट्स की बात कर लेते हैं, 6 कलर वेरियंट्स में आएगी। यहाँ पर होंडा की स्मार्ट की ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी अच्छा है, इंडियन वेरियंट्स में बहुत ज़रूरत थी। यहाँ पर देखो अलग से कंपार्टमेंट मिल जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो ना अपने स्कूटर के, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी। फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो वहाँ से, वहाँ पे हुक लगा हुआ है। तो इस तरह से डिज़ाइन था, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको कोई भी चीज़ जाननी है ना एक्स्ट्रा, कमेंट करके ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। वीडियो चले तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइज।